अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जय कृष्णा क्लब में योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। योग गुरु शिवम चौहान ने योग से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी प्रदान की, साथ ही सभी उम्र के लोगों को अपने दैनिक दिनचर्या में अपनाने के लिए भी आग्रह किया, जिससे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार किया जाए। इसके बाद डॉक्टर पवन शेखावत ने सभी आगंतुकों को योग और आयुर्वेद की महत्वता बताते हुए जागरूक किया, जिसे हमारे सनातन धर्म और भारत संस्कृति को पूरे विश्व में फैला सके और साथ ही मन की शुद्धि के साथ तन की सुंदरता का निखार हो सके। वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर से विवेक जसवाल की टीम ने 21 फलदार पौधे लगाए, जिससे सभी को पर्यावरण को भी सुरक्षित व सुंदर बनाने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओपी सारण ने कार्यक्रमों की सराहना करते हुए सभी से आग्रह किया कि आज के कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए भारत की दी हुई धरोहर को ऐसे ही लोगों तक पहुंचाए और एक स्वस्थ सुंदर व समृद्ध भारत का निर्माण में सभी अपनी भागीदारी प्रदान करें। क्लब के सचिव बाबू झालानी ने अंत में सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया और सभी को आग्रह किया कि योग दिवस इसी तरह हर दिन अगर हम मनाएंगे तो हम बीमारियों से दूर तो रहेंगे ही, साथ में अच्छा जीवन और लंबा जीवन व्यतीत करने में भी कायम रहेंगे।